तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं भंडारे वाली आलू की सब्जी विद पूड़ी। भंडारे के लिए श्याम खाटू का जागरण हुआ था, उसमें भंडारे के लिए सब्जी बनी, पूड़ी बनी, सूजी का हलवा बना। सारी रेसिपी हम आपको दिखाएंगे। पहले दिखा रहे हैं हम आपको आलू की सब्जी भंडारे वाली और पूड़ी। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ले लिए हैं 5 किलो टमाटर और इनको उबलने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा नमक डाल दिया इन पर और इनको उबलने के लिए हमने छोड़ दिया है। ये हरे धनिया की चटनी है और ये हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है, ये हमने बना के तैयार कर लिया। इधर हमारे टमाटर उबल रहे हैं, इधर आलू उबल रहे हैं हमारे। ये देखिए बड़ी कढ़ाई में आलू उबाल दिए हमने, सारे 20 किलो आलू हैं। ये 200 लोगों के लिए सब्जी बन रही है। ये सामान रखा है हमारा, रिफाइंड वगैरह, मसाले वगैरह, ये सारे मेवा सूजी के हलवे के लिए और मसाले सब्जी के लिए, और ये सामान रखा। देखो ये हमारा, और इधर देखो ये सो गया हमारा आरुस, धूप लगी है इसको बढ़िया बढ़िया। ये देखो जी टमाटर उबल के हमारे तैयार हो चुके हैं, इधर आलू भी हमारे तैयार हो चुके हैं उबल कर, बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से टमाटर पक चुके हैं हमारे। अब ये ठंडे करके टमाटरों को अब हमने इसको पीस के पेस्ट बनाना है, एक बढ़िया महीन पेस्ट बनाना है। इसी प्रकार आप मिक्सी में पहले टमाटर को ठंडा कर लें, उसके बाद पीसें, पीस कर पेस्ट बना लीजिए। ठीक है जी, देखिए किस प्रकार बनाना है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी पेस्ट हमारा रेडी है टमाटर का। 5 किलो टमाटर लिए हमने, 20 किलो आलू के अंदर। सारे ही टमाटर को इस प्रकार पीस लेना है आपको बारी बारी करके। अब देखो ये पतीला रख लिया हमने, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ये देखो ये हमारी काली मिर्च है, इसमें खल्लड़ के अंदर ये जो कूटने वाला सामान है इसके अंदर हम इसको काट कूट कर बारीक दरदरा कूट लेंगे, क्योंकि खड़ी काली मिर्च जाती हैं सब्ज़ी में तो ज़्यादातर लोग खाते नहीं हैं और उसे निकाल के फेंक देते हैं। अब देखो ये कैसे तड़का लगाना है सब्जी के लिए, वो दिखाते हैं हम आपको। तेल हमारा गर्म हो चुका है, रिफाइंड जो हमने डाला था, इसमें पहले डालेंगे तेज पत्ते, एक मुट्ठी भर के तेज पत्ते डाला हमने, तेज पत्ते लाल हो गए। अब ये हमारी लौंग थी ये डाल दी हमने, और जीरा डाल दिया साथ के साथ, लौंग और जीरा दोनों चीज़ डाल दी है, और ये कुटी हुई काली मिर्च दरदरी कुटी हुई। ये सबसे पहले जाएगी हरे धनिया की चटनी। ये हमने एक नया तरीका निकाला है नए फ्लेवर के लिए सब्ज़ी में, जो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। आप भी अपने घर बनाकर देखना, पहले धनिया की पेस्ट बना लेना और उसको पहले फ्राई करना है तेल के अंदर, मसाले डाल, खड़े मसाले डालकर। वो फ्राई होने के बाद फिर डालना है ये अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट था ये डाला हमने इसके अंदर। अब इसको भी इसी प्रकार हल्की आंच पर भूनना है आपको। ठीक है, ये देखिए सामान रखा, मसाले रखे हम, सिंपल मसालों से बढ़िया सब्जी बनाए थे। ये टमाटर का पेस्ट है, ये आलू हमने छील के मैश कर लिए हैं, हरे धनिया कटे रखे हैं, और देखिए किस प्रकार बनानी है सब्जी। अब ये 2 पैकेट हमने हींग के डाल दिए इसके अंदर। ठीक है जी, 2 पैकेट हमने हींग डाल दिए इसके अंदर, और ये डाली हमने हल्दी। जब हल्का सा हमारा ये चटनी का मसाला और ये अदरक हरी मिर्च का पेस्ट पिस जाएगा, वो भुन जाएगा, तो हल्दी डालनी है, और ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली इसके अंदर। ये स्वाद भी बढ़ाएंगी इसका और कलर भी बढ़ाएंगी सब्जी का। बाकी तीखेपन के लिए तो दूसरी मिर्च डाली जाती हैं। अब डाल दिया हमने इसके अंदर अपने टमाटर का पेस्ट। अब टमाटर के पेस्ट को भी इसके अंदर फ्राई किया जाएगा अच्छी तरीके से। देखो भंडारे वाली सब्जी बनाने का हम आपको बेस्ट तरीका बता रहे हैं। जब ये टमाटर का पेस्ट उबलने लग जाए तो इसमें हमने डाला धनिया पाउडर और लाल मिर्च कुटी हुई स्वाद के अनुसार। और इसमें डाला हमने नमक, टमाटर के अंदर पहले डाल चुका थे हमने नमक और दोबारा फिर डाला है, तो अपने स्वाद के अनुसार आप डालें। ये कसूरी मेथी है हमारी, अब इस लेवल पर इसको डाल देंगे।
इस स्टेज पर जब ये सारी पेस्ट पक के तैयार हो जाए, उबलने लगे, तो इसके अंदर आलू मिक्स करेंगे। देखो जी, इस प्रकार आपको आलू मिक्स करने हैं। इसके अंदर पानी डाल दें इसमें, अगर चलाने में आपको दिक्कत होती है तो पानी तो डालना ही डालना है, पहले डालो बाद में डालो बात एक ही है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। सारे आलू टमाटर के पेस्ट में अच्छी तरह मिक्स करके इस प्रकार, अब देखो इसमें डलेगा पानी, कितना डलेगा, कितनी गाढ़ी पतली चाहिए आपको वो दिखाते हैं हम। देखो पानी हमने डाल दिया था इसके अंदर, ज़्यादा गाढ़ी थी तो हमने पानी डालकर इसको अपने लेवल पर पतला कर लिया था। जितना भी पतली या धोने में परसने के लिए सब्जी होती है उस लेवल पर आप पतला कर लें, और जब इसमें उबाल आ जाए बढ़िया तरीके से तो अब डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर। लास्ट में जब उतारते वक्त इसमें अमचूर पाउडर डलेगा और गरम मसाला डलेगा हमारा, ये गरम मसाला है, ये इसको डालिए, ये गरम मसाला लास्ट में डलेगा जब अमचूर और गरम मसाला लास्ट में सब्जी उतारते वक्त। गाढ़ा पतला अपने हिसाब से कर लें। देखिए हमने इतनी पतली कर ली सब्जी, पहले जब टमाटर के पेस्ट में आलू डाले थे गाढ़े थे तो हमने पानी डालकर इतना पतला कर लिया था। अब इसमें जाएंगे मखाने। मखाने सब्जी का स्वाद और फ्लेवर दोनों बढ़ा देते हैं। आलू की सब्जी में मखाने आप पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन मखाने डलते हैं, मटर पनीर वगैरह में डलते हैं ज़्यादातर, लेकिन हमने आलू की सब्जी में भी डाले हैं। अब जाएगा हरा धनिया इसके ऊपर, कस के मारने का, फेंक के मारने का हरा धनिया। और ये सब्जी हमारी बनके तैयार है, भंडारे वाली। देखिए बिल्कुल उतार सकते हो आप इसे, बढ़िया सब्जी हमारी बनके तैयार हुई है। ये देखो जी रंगत, कलर, गाढ़ापन। अब देखो ये हमने आटा मार के रख लिया था और इसकी पूड़ी बनाने के लिए पेड़े तोड़े जा रहे हैं, और पेड़े सूख ना जाएं तो इसलिए एक पॉलीथीन रख लें पास में, पेड़े तोड़ तोड़ के उसके अंदर रखते जाएं। इस प्रकार देखो जैसे हमने रखे हुए आटा मार के गूँथ कर, और ऐसे हलवाई लोगों का यही तरीका होता है, इसी प्रकार अब ये देखो ये हमारी बेलने वाली पलटन्स है ना घरेलू, वही सब बेले दे रहे हैं पूड़ियों को, और पूड़ी बेल बेल कर एक थाली में रख दी इन्होंने। ये पेड़े हमारे बनके तैयार हैं, इधर पूड़ियाँ सिकना चालू कर दी हैं हमने, सेकना चालू कर दी हैं। ये देखिए कढ़ाई में तेल भर लें, गर्म आँच होनी चाहिए फुल, और भंडारे वाली पूड़ी ऐसी सिकती हैं, थोड़े मोटेपन में पूड़ी बेली जाती हैं भंडारे वाली, तो मोटी पूड़ी होती है उन्हीं में ज़्यादा स्वाद आता है भंडारे वाली, घर में तो पतली पूड़ी होती हैं। ये देखिए जी इस प्रकार आपको तेज आंच में सेकनी है पूड़ी सारी। ये देखो पूड़ी हमारे सिक के तैयार है पहला बैच, और धीरे धीरे सारी सिकते जा रही हैं, और सारा ये टब भर लेंगे, और सारी पूड़ी सेकने के बाद फिर भंडारे में सप्लाई होगा, सामान सारा बांटा जाएगा मतलब। तो जी कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी भंडारे वाली आलू की सब्जी और पूड़ी की? पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई दिक्कत आए तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई तुरंत मिलेगा।